वेलकम टू द परफेक्ट क्लास। आपका स्वागत है परफेक्ट क्लास में। आज की हमारी नई वीडियो जो कि चैप्टर 3 की है, 10 क्लास के एनसीईआरटी 10 मैथ्स चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है और ये एग्जांपल है जो कि एग्जाम में आने के चांस है। उदाहरण एग्जांपल 15 एग्जाम्पल है पी के किस मान के लिए समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। तो हमें इसमें पी का मान फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन ये दी है कि एक अद्वितीय हल होगा, इस कंडीशन में हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज शो कर देंगे। हमें कहा गया कि इसमें अद्वितीय हल है, तो सबसे पहले इनकी वैल्यूज देखेंगे। ए वन बराबर 4, बी वन बराबर पी और सी वन बराबर 8, ए टू बराबर 2 और बी टू बराबर 2 और सी टू बराबर भी 2 है। यहाँ पर हमें कहा गया कि एक अद्वितीय हल होगा, युग्म का अद्वितीय हल होगा। तो उसके हिसाब से एक वैल्यूज बनती है, वही बनी ए वन अपॉन में ए टू नॉट इक्वल बी वन अपॉन में बी टू, मतलब ए वन अपॉन ए टू जो वैल्यूज है वो इसके इक्वल नहीं है। तो हम इसके इसी बेट पैटर्न पर रखेंगे। तो ए वन हमारा है 4 और ए टू है 2, नॉट इक्वल बी वन है पी और बी टू है 2। अब यहाँ पर अगर हमें पी की वैल्यू फाइंड करना है तो इस 2 को बराबर के आगे भेजेंगे। इधर डिवाइड में आ रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 4 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ बचेगा नॉट इक्वल पी, तो इस 2 से 2 करिए तो वैल्यूज बची है 4 नॉट इक्वल पी। तो जो आंसर आ रहा है हमारा, आंसर को हम ऐसे लिखेंगे p बराबर नॉट इक्वल 4, मतलब p की वैल्यू 4 के बराबर नहीं होगी। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।